बोगला बहुत गंदा हो रखा है यार, ये कोई भी गिर जाएगा यहाँ तो ऐसे। और ये देखो वहाँ से ना टेढ़ा भी हो रखा है थोड़ा नीचे, ये जो पुस्ता है वो नीचे गिर रहा है। मूवी से पहले ट्रेलर आता है ना तो ये, बाकी ये हो चुकी है फिर दोबारा ऑफ रोड शुरू। और ये देखो छोटे मोटे पत्थर निकले हुए और मैं गिरूँ ना तो अच्छा है, और चल 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 ना। बाकी नदी से हमेशा दूर रहना चाहिए, कब लैंड स्लाइड हो जाए पता नहीं चलता भाई। और ये रोड देखो, ये वाली रोड देखो, ये पूरी धंसने वाली नीचे, वो टेढ़ा हो रखा देखो पूरी है नीचे की। अभी ये आप लोगों को दिख रहा है सामने ऑफ रोड का पैच, और बाकी ये रास्ता जाने का, क्योंकि ये वाला रास्ता पिछले साल बंद टूट गया था, पता नहीं चल रहा है इससे। वो भयंकर बीच में तो दरार पड़ी हुई पूरी। बाकी तब भी देखो मैं ऑफ रोड में आ ही गया, मैं घुस गया ऑफ रोड में। और ये देखो ये तो अभी तक आप लोगों ने ट्रैवल देख लिया मेरा, तो मतलब कि ट्रैवल जो था वो मतलब कि अपने एंटोर टीवीएस एंटोर 125 सीसी में जो छोटी सी राइड थी थानो से, मतलब रायपुर से थानो चौक तक थी। तो थानो चौक से ना आगे आ गया हूँ, अभी भोपुर के ब्रिज पे खड़ा हूँ जो कि आप लोगों को पता है ये वाला ब्रिज। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरा प्लान था वो यहाँ से था इस पहाड़ तक जाने में। चलो फिर बाकी थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी यहाँ से मतलब कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से निकलेंगे सीधा उस लोकेशन पे जो आप लोगों को पीछे दिख रही है। बाकी गर्मियों में अगर कहीं भी बाहर जाओ पहले इसको जाने दो, तभी बताऊँगा। बाय बाय, वापस मत आइयो, अल्लाह कर दिया भयंकर से पूरा। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा था जब भी गर्मी में बाहर जाओ ना तो एक तो देखो बोतल रख लो अपने पास, ठीक है, और हो सके तो ऐसी मिल्टन की बोतल रख लो, क्योंकि इसमें क्या फर्क होगा कि मतलब कि बाहर कहीं भी घूमोगे ना गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर पता है कितना हाई होता है, तो मिल्टन की बोतल में पानी रहेगा एकदम ठंडा। तो सबसे मेरी एक एडवाइस यही है कि गर्मियों में ना अपने पास एक बोतल रखो मिल्टन की, और कहीं भी निकल जाओ तो खासकर तो ट्रैवलर को सबसे ज़्यादा जरूरत है, मेरे जैसे ट्रैवलर को जो रोज़ चलता है। बाकी मैं कभी कार वालों की बात नहीं करता। मजा आ गया पानी पी के, तो अब निकलते हैं थोड़ी देर में। ओके तो चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, मतलब यहाँ से उधर तक, मतलब इधर ही कहीं पहाड़ तक जाना है मेरे को। तो चलो फिर हम लोग निकल चुके हैं अभी इस रोड से, इस जगह से उस जगह जाने के लिए। तो बाकी अभी जगह देख लो आप लोग, सामने आप लोगों को दिख रही है जो पहाड़ की लोकेशन दिख रही है पूरी। तो अभी थोड़ी देर में ना जो फ्रेम है वो चेंज होने वाला है। बाकी देखो सबको पता है सीला की जो चौकी का है उसका रास्ता कहाँ से है, यहाँ से जाना है मेरे को अभी इधर लेफ्ट की साइड। बाकी पूरा प्रॉपर आगे तक तो जाऊँगा नहीं मैं भी, क्योंकि गर्मियों में चलेंगे यार, गर्मियाँ भी वैसे आने वाली है, सिर्फ मुश्किल से देखो एक महीना रह गया, फरवरी तो देखो ख़त्म होने वाला है। आज कौन सी तारीख है, 23 तारीख हो गई आज, फरवरी ख़त्म होने वाला है। तो जल्दी मतलब कि ये क्या सावधान रहिए, क्या किस चीज़ की सावधान रहिए भाई, भयंकर इन्होंने तो डरा दिया भयंकर, सावधान रहिए शुरू में ही लिखा गया था, मैंने देखा नहीं शुरू ऊपर देखा सावधान। ट्रैवल करने आए हम लोग, एक रास्ते में ना एक ब्रिज पड़ता है, मतलब सिर्फ ना वहाँ तक आएंगे, मतलब वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ से यू टर्न मार लेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑफ रोड शुरू हो जाएगी। अभी तो मतलब कि ये वाली रोड ठीक है पर उसके बाद ना ऑफ रोड मिलेगी, तो ऑफ रोड समझ सकते हो ना, अगर इतनी मेहनत करके जाओ गर्मी लगे तो वहाँ जाके फ़ायदा कुछ है नहीं ना। देखो आप लोगों को बोला था ना कि अब थोड़ी देर में ना लोकेशन चेंज होने वाली है, और लोकेशन देखो चेंज होगी। अब देखो इधर की तरफ तो पहाड़ स्टार्ट हो गया और इधर की तरफ नदी, बाकी यहाँ रोड का काम पता नहीं चल रहा है इससे। वो भयंकर बीच में तो दरार पड़ी हुई पूरी। ये देखो ये तो भयंकर तो धस गया पूरा नीचे, वो देखो वहां से भी वो दरार पड़ गई, नीचे ना गिरूँ मैं खुद। देखो वहां से ये पिलर के बगल में दिख रही होगी आप लोगों को दरार सीधी, और उधर से भी देखो दरार पड़ी हुई। और ये देखो वहां से ना टेढ़ा भी हो रखा हो थोड़ा नीचे, ये जो पुस्ता है वो नीचे गिरने वाला है, कभी भी गिर जाएगा। हाँ उधर से वो टेढ़ा हो रखा, वो गिर जाएगा कभी भी। बाकी खोखला देखो वही कितना हो गया, ये एकदम नज़र पड़ी मेरी, खोखला बहुत गंदा हो रखा है यार, ये कोई भी गिर जाएगा यहाँ तो ऐसे। हम भी ज़्यादा खड़े नहीं होते इधर, बाकी देख के चलना पड़ेगा थोड़ा ना, नदी से थोड़ा इधर चलता हूँ यार, कोने में नहीं चलता, कहीं पर चला बीच में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रैक पड़ सकता है भाई, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ साइड में रुक के तब थोड़ा व्यू का एंजॉय करते हैं, पर ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए वैसे। बाकी इधर की तरफ है मतलब कि जंगली मुर्गे मुर्गियाँ, हिरन वगैरह भी हैं, और हिरन नहीं बोलते काकड़ बोलते हैं इधर, और एक वो मोर वगैरह भी है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल काफ़ी है यहाँ पे। आओ फटाफट मस्ती मारो यहाँ पे। बाकी ये देखो मेन जो सीला की चौकी का रास्ता है ना, वो रास्ता है ये वाला जो आप लोगों को राइट वाला दिख रहा, ये वाला मेन सीला की चौकी जाएगा,
और जो ये वाला रास्ता कहाँ जाएगा ये मेरे को नहीं पता। बाकी इधर तो देखो ऑफ रोड शुरू हो जाएगी, बाकी जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि बीच में एक ब्रिज पड़ेगा, तो मैं इसी वाली ब्रिज की बात कर रहा था, मैं यहीं तक आऊँगा सिर्फ, इसके बाद तो ऑफ रोड है और ऑफ रोड का कोई प्लान है नहीं मेरा। आगे भी पानी नहीं है क्या? अब ये सारा पानी जा कहाँ रहा समझ नहीं आ रहा। बाकी देखो पूरा आगे तक तो नहीं जाऊँगा मैं थोड़ा सा ही आगे जाऊँगा यार सिर्फ, क्योंकि ऑफ रोड करने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। पर फिर भी मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो देख के बोला होगा जा जा ऑफ रोड करने जा, जाता क्यों नहीं, डर गया तू? डरता तो नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा ये है कि अकेले में थोड़ा फंसने का डर इस चीज़ का है कि मैं अकेले फंस जाऊँगा, अकेले में क्या करूँगा। अगर साथ में एक बंदा भी कोई होता तो टाइम पास हो जाता ना बात करते करते, पर देखो यही चीज़ है। पर ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं मैं, थोड़ा सा ही बस। यार रास्ता तो पहले से बहुत ठीक कर दिया यार ये, पहले तो इतना बेकार रास्ता था, अब तो बहुत ठीक कर दिया। मतलब पहले ना बीच बीच में काफ़ी पत्थर थे यहाँ बड़े बड़े निकले हुए, तो दिक्कत होती थी आने में, बाकी अब तो काफ़ी मस्त बना दिया यार ये देखो। मतलब बीच में थोड़े बहुत पत्थर है, इतना तो ऑफ रोड नॉर्मल है यार नॉर्मल है, आगे ऑफ रोड असली। वो देखो वहाँ पत्थर दिख रहे होंगे आप लोगों को, वो देखो कितने बड़े बड़े निकले हैं हमें वापिस, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को पहले बोला सीला के चौकी जाने का कोई प्लान है नहीं, और बाकी देखो यहाँ पे ना पानी नहीं है यार दूर दूर तक भी, तो सीला के चौकी में भी पानी कम हो गया क्या बिल्कुल? या तो शायद से पीछे डैम भी है एक सूरदार डैम, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले साल भी दिखाया था, मतलब पिछले साल ही दिखाया था, तो शायद से वहाँ पे रोक के रखा होगा पानी। यहाँ से चलते हैं यू टर्न मारते हैं, और काफ़ी डेंजर जगह ही है, जंगल वाला इलाका ही है, तो फिर मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे, तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, ज़्यादा देरी नहीं करते क्योंकि जंगल में मंगल भी हो सकता है। तो बाकी देखो ऑलमोस्ट एक तो बजी गए हैं, ये देखो एक तो बजी गए हैं, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बाकी कोई बात नहीं, अगले साल क्या इसी साल आएंगे, अभी कुछ महीनों बाद। जैसे आप लोगों ने अभी परसों वाला व्लॉग देखा होगा जब मैं मसूरी गया था और ऐसे ही टाइम पास करते करते पहुँच गया था, उसके बाद जैसे ही मैंने व्यू देखा और जब मैंने मौसम देखा ना कि इतना तगड़ा हो रखा, तब मैं व्यू पॉइंट में देखो पहुँच गया था। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर आता, देखो यहाँ तक आ गया हूँ, और अगर यहाँ नदी में पानी मिलता ना मेरे को, तो मैं फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हो सकता था, तब मैं पहुँच जाता आगे तक, पर पानी नहीं है अभी, तो फिर वहाँ जाके भी फ़ायदा क्या यार। गर्मियों में मतलब देखो गर्मी आई गई है, तो फिर गर्मियों में चलेंगे कोई नहीं। बाकी तब भी देखो मैं ऑफ रोड में आ ही गया, मैं घुस गया ऑफ रोड में, और बताओ। तो अब इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना भाई, ऐसा नहीं है कि बिना लाइक करके कोई मत जाना सालो, वरना मैं शराब दे दूंगा वरना। हाँ करेक्ट, एक भी बज गए। तो यहाँ से मेरे को घर पहुँचते वहाँ से लग जाएंगे कुछ 1:30 बज जाएंगे, नहीं 1:30 क्यों बजेंगे यार, एक तो यहीं बज गए, आधा घंटे में थोड़ा बचूंगा, 2:30 बज जाएंगे। तो बाकी ये रहा अपना ऑफ रोड का पैच, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया थोड़ा बहुत आगे जाके, और पूरा आगे नहीं गया था क्योंकि रास्ता पर एक बात है ही, रास्ता ठीक हो गया। देखो पहले कैसा रास्ता था, पहले मतलब पता है ऐसा रास्ता था पत्थर वाला, पर अब देखो मतलब मिट्टी वाला रास्ता हो गया। देख रहे क्या तगड़ा व्यू दिखता है यार ऐसे एंडोर को, पूरा ऑफ रोड, पूरी पीछे देखो रोड क्या बढ़िया दिख रही है ऑफ रोड वाली। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। सेंसर काम कर रहा, देखो घूम करता है एकदम, ऐसे ही स्टैंड, ये करो पावर का बटन ना, जो पावर का बटन है ये जैसे ऑन करो एकदम। बाकी ये हो चुकी है फिर दोबारा ऑफ रोड शुरू, और ये देखो छोटे मोटे पत्थर निकले हुए और मैं गिरूँ ना तो अच्छा है, और चल 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 पत्थर ये कितने निकाला हुआ इतना बड़ा बीच में, और ये देखो ऑफ रोड अभी चल रही है अपनी एंटोर टीवीएस एंटोर में ऑफ रोड चल रही है, और ये देखो ऑफ रोड इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई है, सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। बाकी मेरी कमेंट्री कैसे लगी ये मेरे को बताना, बाकी नदी में पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म पानी हो गया यहाँ पे ख़त्म बिल्कुल। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट घर की तरफ, बाकी यहाँ तक जो रोड है वो ठीक है, बाकी उसके आगे तो पूरा ऑफ रोड का ही पैच है, तो पैच है बस। बाकी यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बन चुके हैं, ये देखो यहाँ पे हट वगैरह भी बन चुके हैं, फालतू फ्री फंड की प्रमोशन हो रही है, तो कोई बात नहीं नॉर्मली चलते हैं अपना। बाकी नदी से हमेशा दूर रहना चाहिए, कब लैंडस्लाइड हो जाए पता नहीं चलता भाई। जैसे यहाँ पे ये गड्ढा हो रहा, ये देखो भाई गड्ढा हो रहा यहाँ पे पूरा, और ये रोड देखो, ये वाली रोड देखो, ये पूरी धंसने वाली नीचे, वो टेढ़ा हो रखा देखो पूरी है नीचे। ऐसे गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, पर बाकी ऐसे घर पे कोई ट्राई ना करिए। मैं तो इसलिए खड़ा उठा क्योंकि गाड़ी ना मतलब उसमें गड्ढे काफ़ी हो रहे थे और बम्प हो रही थी गाड़ी, तो इस वजह से ना मैं खड़ा उठ गया था फिर, तो अब ठीक है ना, देखो कितनी मस्त चल रही। बाकी घर पे ऐसे कोई ट्राई ना करिए, और अगर कोई ट्राई करेगा तो अपने घर वालों की निगरानी में करिए। ओके क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया था ना, काफ़ी टाइम से मतलब कि ऐसा कोई व्लॉग बना नहीं था, पर ये व्लॉग अभी भी आधा अधूरा है, ठीक है ये व्लॉग पूरा नहीं है, ऐसा कोई मत सोचना कि ये वाला व्लॉग ना पूरा है,
ये व्लॉग अभी भी आधा अधूरा है, क्यों? क्योंकि मतलब कि बढ़िया सी लोकेशन में हम लोग गए नहीं, सिर्फ लोकेशन की जगह आए थे और वहीं पे अभी हम लोग घूम रहे हैं, तो एक ही मतलब प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं है, ठीक है? अभी ये व्लॉग बनेगा, ढंग से बनेगा। ये तो मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि मूवी से पहले ट्रेलर आता है ना, तो ये एक तरह से ट्रेलर मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी आने वाली है ना, तो गर्मियों में ही ऐसे तगड़े तगड़े व्लॉग आने वाले हैं। तो तभी कह रहा था मैं इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दाएं बाएं पड़ोसी अगल बगल जिनको भी है भाई एकदम फेंक के मारो कि सब्सक्राइब करो, और नए नए मतलब कि कंटेंट और नए नए एक्सप्लोर वाली जगह आने वाली है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखो भाई। बाकी ये देखो लैंडस्लाइड यहाँ पे हर जगह देखने को मिलेगा, ये सब मानसून से ही होता है यार, पानी अपने साथ पानी आता है और अपने साथ रोड लेके चले जाता है। और इसमें भी एक मेन पॉइंट है, पानी को रास्ता किसने दिखाया, ये भी एक सोचने की बात है, पानी को रास्ता किसने दिखाया। तो बाकी आगे तो चला गया रानी पोखरी और यहाँ से चलते हैं वापस। बाकी लोकेशन काफ़ी बढ़िया है भाई, एक बार रुक के देखो हर जगह ना, मतलब ऐसा नहीं है कि चले जाओ तो मज़ा आता है, रुक के भी अगर मज़े लो ना तो उसका मज़ा कुछ अलग रहता है। बाकी अभी मेरा कहने का मतलब काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो ये देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रुक के एक बार इस जगह को मतलब कि फील करो, देखो मतलब देखो पेड़ कह रहा पहाड़ देखो क्या मस्त है एकदम। पहले देखो ये पहाड़ पास है, उसके बाद थोड़ा ये दूर है, फिर उसके बाद वो दूर है, फिर उसके बाद वो दूर है, देखो कितने कितने दूर दूर चले गए पहाड़। तो चलो फिर चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये कुछ नदी की लोकेशन ऐसी दिख रही है अभी, अब ये लोकेशन बढ़िया बढ़िया रहती है, पर ये देखो जरा जो फ्लड आता है ना, जब फ्लड तो फ्लड अपने साथ क्या क्या कर देता है, ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ उखाड़ दिया पूरा फ्लड ने, और ये देखो पेड़ कितने मोटे मोटे पेड़ हैं, मतलब वीडियो में देखो भी कितने छोटे से लग रहे पर बहुत मोटे मोटे पेड़ हों, और कितना बड़ा पेड़ है देखो यहाँ से वहाँ तक, कितने बड़े लंबे लंबे पेड़ है ये देखो, ये यहाँ से ये मिट्टी के बीच में दबा हुआ पर यहाँ तक देखो, वैसे देखो वहाँ पे उधर भी पड़े हुए हैं, हर जगह मतलब कि ऐसी पेड़ पड़े हुए हैं, देखो उधर की तरफ भी हैं, उधर की तरफ भी हैं, हर जगह, बाकी इधर नदी में भी है इधर की तरफ, ये सब फ्लड करता है फ्लड। चलेंगे क्या दिक्कत आ रही, चलो फिर चलो लेट्स गो।